हेलो डियर मेडिकल प्रोफेशनल्स, माई सेल्फ डॉक्टर नरेश भाटी, डायरेक्टर ऑफ वेल केयर ओवरसीज बेंगलुरु। डियर माई डेंटिस्ट, आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आज के इस वीडियो में मैं तीन बातें रिवील करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। अगर आपका ड्रीम है जर्मनी जाना, यूरोपियन कंट्री जर्मनी जाना और वहाँ जाके आपको लाइसेंस प्रिपरेशन करना है या वर्क करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है, तो बहुत सारी इंक्वायरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस डेंटिस्ट ने हमें किए हैं, मुझे हमारी टीम को किए हैं, और उनके लिए मैं कुछ थ्री पॉइंट्स, उनके जो क्वेश्चंस थे वो मैं पहले बताऊंगा। पहला चीज़ तो ये, काफ़ी सारे डेंटिस्ट बता रहे हैं कि पूरा डेंटिस्ट्री कैरिकुलम है वो भी आपको सबमिट करना होगा, लेकिन हम जिस पर्टिकुलर स्टेट में कर रहे हैं प्रेजेंटली, वी डोंट नीड दैट कैरिकुलम। पहला चीज़ जो बहुत सारे डेंटिस्ट पूछ रहे हैं कि अभी कैरिकुलम भी पूरा वो लोग पूछने लगे, बट अभी हमारे पास ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है और हमें अभी तक वो एकेडमिक कैरिकुलम फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए, और हमारे स्टेट में, जिस भी स्टेट में हम अप्लाई करते हैं वहाँ पर हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला पॉइंट, पहला आपका डाउट क्लियर हो गया। दूसरा, हाँ, दो ज़रूर एडिशनल, तीन एडिशनल डॉक्यूमेंट अभी उन्होंने पूछना चालू कर दिया है और हमने सबमिट भी करना चालू कर दिया। तो पहला तो एक वो रजिस्ट्रेशन डाटा, आपका डाटाबेस जो फॉर्म है वो उन्होंने पूछना चालू कर दिया है, वो आपको देना है, वो हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, जब आप ये रजिस्ट्रेशन डाटा फॉर्म प्लस आपका यूरोपास सीवी एंड मोटिवेशनल लेटर, ये तीन चीज़ें वो आपको पूछना एडिशनली चालू कर दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट देने के बाद डेंटल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल फ्रॉम देयर आपको ईमेल करेगी, आपको ईमेल कंफर्मेशन लेगी और वहाँ पे आपको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्म देते हैं वो लोग, वो एड्रेस वेरिफिकेशन फॉर्म में आपको साइन सिग्नेचर करके उनको रिवर्ट बैक करना है और वहाँ से आपका डिग्री रिकॉग्नाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है तीन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है, बट जितने भी डेंटिस्ट हैं जिनके भी दिमाग में ये डाउट है कि अभी कैरिकुलम भी चाहिए, तो कैरिकुलम का फिलहाल हम जिस स्टेट में कर रहे हैं वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप बेफिक्र होके, बिना चिंता के, अगर आपका ड्रीम है जर्मनी जाना, एज ए डेंटिस्ट वहाँ काम करना, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना, FSB प्रिपरेशन के लिए अप्लाई करना, KP के लिए अप्लाई करना, परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करना, डिग्री रिकॉग्नाइजेशन अप्लाई करना, तो वेल केयर ओवरसीज इज ए वन स्टॉप डेस्टिनेशन और हम आपके साथ खड़े हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। बस आपको करना होगा भरोसा, ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप को, और जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है फिर वो रिलेशनशिप आगे बढ़ती नहीं है। तो ट्रस्ट आपको करना होगा, पेशेंस आपको रखना होगा, कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डिग्री रिकॉग्नाइजेशन आने में अभी 12 से 15 महीने का भी टाइम लग रहा है डेंटिस्ट के लिए स्पेशली, तो वो टाइम पीरियड को आप यूटिलाइज करो अपने वर्किंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि फालतू टाइम आप वेस्ट करो इधर से उधर और आप परेशान होना चालू कर दो, वैसा नहीं। जो भी एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप इंडिया में गेन करोगे वो आपके लिए 101% बेनिफिशियल होगा जब आप FSP एग्ज़ाम पास करके जॉब सर्च के लिए स्टार्ट करते हो, तब वो आपका एक्सपीरियंस वहाँ काम आएगा। तो ये तो बहुत ही मतलब अच्छी खबर है, जो फ्रेशली ग्रेजुएट है या एक दो साल का एक्सपीरियंस है तो उनका एक्सपीरियंस और भी इम्प्रूव हो जाएगा और उनके लिए बेनिफिशियल होगा ये वेटिंग पीरियड। और उससे क्या है कि आपका जितना ज़्यादा क्लिनिकल स्किल्स इंडिया में होगा वो उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल, या शॉर्ट शॉर्ट टर्म जो कोर्स होते हैं, वर्कशॉप होती है, वो भी अगर आप कर सकते हो एक साल में, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है जर्मनी जाने के लिए और जॉब सर्च के लिए जब आप FSP एग्ज़ाम या टेम्पोररी लाइसेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हो। तो ये हमने आज डिस्कस किया, तीन पॉइंट हमने क्लियर किए कि एक तो कैरिकुलम चाहिए कि नहीं, तो अभी हमें तो नहीं चाहिए, जिनको चाहिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है अगर उनको चाहिए तो आपको देना होगा, बट अगर आपको प्रोसेस इजी करना है तो आप हमारे साथ जा सकते हैं और हमें नहीं चाहिए कैरिकुलम। दूसरा चीज़, एडिशनल डॉक्यूमेंट उन्होंने पूछना चालू किया, तो एक रजिस्ट्रेशन डेटाबेस जो फॉर्म है, फिर आपका मोटिवेशनल लेटर है, यूरोपास CV है और आपका एड्रेस कन्फर्मेशन है, ये चार चीज़ें एडिशनली काउंसिल ने पूछना स्टार्ट कर दिया और वो हमने सबमिट करना भी शुरू कर दिया। और तो अगर आपका भी ड्रीम है और आपको भी जर्मनी जाना है एज अ डेंटिस्ट, वहाँ काम करना है, तो वेल केयर इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। आपकी कोई भी क्यूरीज है
नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कंप्लीट करियर काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, और इन डिटेल में और भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप जान सकते हैं। और ऐसे ही देखते रहे वीडियो, कुछ भी डाउट है तो ज़रूर आप हमें कॉन्टैक्ट करें और अपनी करियर काउंसलिंग लें। तो आज के लिए इतना ही, आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दे इजाज़त। जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।